नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर ICS में, जहां पर मैं मधु पूरी एंशंट हिस्ट्री को MCQ वाइज कवर करा रही हूं। आज का लेक्चर नंबर 18 है और जैनिज्म का MCQ सेट 13 है। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया ही कि मैं सारे चैप्टर्स के इतने सारे MCQ करा दूंगी कि आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी। और ये मेरा वादा है आप सभी से कि इससे बाहर किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। मैं हर चैप्टर से अराउंड 100 to 150 क्वेश्चंस करा रही हूँ, जिससे कि आप लोगों को चैप्टर भी समझ में आ जाए और सारे के सारे MCQ भी कवर हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, Who used the caves of Barabara as their shelter house? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने अपने आश्रय गृह के रूप में किया था? आपके ऑप्शंस हैं ए आजीविका, बी थारस, सी जैन, डी तांत्रिक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आजीविका। ठीक है, तो आजीविका नहीं, बराबर की गुफाओं का उपयोग अपने आश्रय गृह के रूप में किया था। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द बारबरा हिल्स केव। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बराबर पहाड़ी गुफाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? क्वेश्चन में आप लोग ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि सत्य बोल रहा है कि असत्य पूछ रहा है, कई बार इसमें काफी मिस्टेक हो जाती हैं। ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन ए, देयर आर इन ऑल 4 केव्स ऑन द बारबरा हिल, बराबर पहाड़ी पर कुल मिलाकर 4 गुफाएं हैं। ऑप्शन बी, इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका आर फाउंड ऑन द वॉल्स ऑफ 3 केव्स, मतलब अशोक के शिलालेख 3 गुफाओं की दीवारों पर पाए जाते हैं। ऑप्शन सी, दीज इंस्क्रिप्शन इन्फॉर्म अस अबाउट द डेडिकेशन ऑफ दीज केव्स टू द आजीविकाज, ये शिलालेख हमें इन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित करने के बारे में सूचित करता है। ऑप्शन डी, दीज इंस्क्रिप्शन डेट बैक टू 6th century BC, ये शिलालेख 6th शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन डी जो है कि ये शिलालेख 6th शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, ये असत्य है, क्योंकि ये 3rd ईसा पूर्व के थे। तो इसमें आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, बाकी तीनों के तीनों ऊपर के स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। तो डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, द फेमस पिलग्रिमेज ऑफ बुद्धिस्ट एज वेल एज ऑफ जैन इन उत्तर प्रदेश इज एट। उत्तर प्रदेश में बौद्धों के साथ साथ जैनियों का भी प्रसिद्ध तीर्थस्थल कहां पर है? आपके ऑप्शंस हैं ए सारनाथ, बी कौसाम्बी, सी देवीपाटन, डी कुशीनगर। तो इसका आंसर क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा भी गया है ये कई बार, और इसका आंसर है ऑप्शन बी कौसाम्बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि यहां पर इसने नॉट करेक्ट पूछा है आपसे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ए, द स्टेच्यू ऑफ गोमतेश्वर एट श्रवण बेलगोला रिप्रेजेंट द लास्ट तीर्थांकर ऑफ जैन, मतलब श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति जैनियों के अंतिम तीर्थंकर का प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन बी, इंडियाज लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनास्ट्री इज इन अरुणाचल प्रदेश, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन सी, द खजुराहो टेम्पल्स वर बिल्ड अंडर चंडेला किंग्स, खजुराहो मंदिरों का निर्माण चंडेल राजाओं के अधीन किया गया था। द होयसाला टेम्पल इज डेडिकेटेड टू शिवा, या होयसालेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। तो इसमें से कौन सा नॉट करेक्ट है ऑप्शन में? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति जैनियों के अंतिम तीर्थांकर का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, बल्कि ये 23वें तीर्थांकर का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, तो ए इसमें इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बाहुबली को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तीर्थांकर को नहीं, सॉरी, ये बाहुबली को रिप्रेजेंट करती है। तो ए इज द आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, हु बिल्ड गोमतेश्वरा स्टैच्यू एट श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर प्रतिमा का निर्माण किसने करवाया था? आपके ऑप्शन है ए चामुंडराय, बी
कृष्णवन, सी कुमारपाल, डी तेजपाल। तो क्या आंसर होगा इसका? इसका ऑप्शन होगा ए चामुंडराय, जो कि गंगा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। इन्होंने ही गोमतेश्वर स्टैच्यू एट श्रवण बेलगोला का निर्माण करवाया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, महामस्ताभिषेका अ ग्रेट रिलीजियस इवेंट इज एसोसिएटेड विद एंड डन फॉर हुम ऑफ द फॉलोइंग। महामस्ताभिषेक एक महान धार्मिक आयोजन निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा और किसके लिए किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए बाहुबली, बी बुद्ध, सी महावीर जी, डी नटराज। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बाहुबली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट रिलेटेड टू जैनिज्म। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जैन धर्म से संबंधित नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ए कुरुचक, बी यपनिया, सी श्वेतपट, डी प्रतितस्य मुपदा। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी प्रतिशत समुत्पदा। ये जैनिज्म से बिलोंग करता है। बाकी जो कुरुचक है, यपनिया है, श्वेतपद है, ये दो तीनों के तीनों जैन रिलीजन से बिलोंग करते हैं। तो डी इसका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन डिड रिलीजियस मूवमेंट राइज इन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। प्राचीन भारतीय इतिहास में धार्मिक आंदोलनों का उदय कब हुआ? आपके ऑप्शन हैं ए 1st BC, 2nd BC, सी 4 BC या डी 6 BC। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 6 BC। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग जैन टेक्स्ट डिस्क्राइब द नंबर ऑफ रिलीजियस मूवमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा जैन ग्रंथ धार्मिक आंदोलनों की संख्या का वर्णन करता है? आपके ऑप्शन से ए सूत्रकृतांग, बी न्यायावतार, सी द्रव्य संग्रह, डी कल्पसूत्र। तो इसका आंसर क्या होगा? सूत्रकृतांग। सूत्रकृतांग में ही जैन ग्रंथ धार्मिक आंदोलनों की व्याख्या या वर्णन किया गया है। तो ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट, खारवेला अ डिसेंडेंट ऑफ द महामेघावहना फाउंडर ऑफ चेती डायनेस्टी। दूसरा स्टेटमेंट, खारवेला वॉज अ फॉलोअर ऑफ जैनिज्म। तो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, खारवेला चैती वंश के संस्थापक महामेघवाहन के वंशज थे, और दूसरा क्या कह रहा है, खारवेला जैन धर्म का अनुयायी थे। तो इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? तो जो दोनों के दोनों स्टेटमेंट है कि खारवेला चेती वंश के संस्थापक महामेघवाहन के वंशज थे, ये बिल्कुल सही है, और खारवेला ही जैन धर्म के फॉलोअर्स भी थे, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो दोनों के दोनों ही कथन या स्टेटमेंट हमारे सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी बोथ 1 और 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला स्टेटमेंट, कंक्वेस्ट ऑफ गैंजेटिक वैली, सेंट्रल इंडिया एंड ट्रांस इंडस, मेगास्थनीज स्टे, तीसरा पैट्रोनेज टू जैनिज्म, चौथा आलियांस विद एंटियोकस फर्स्ट। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चंद्रगुप्त के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला, गंगा घाटी मध्य भारत और ट्रांस सिंधु क्षेत्र की विजय। दूसरा, मेगास्थनीज का प्रवास। तीसरा, जैन धर्म का संरक्षण। चौथा, एंटियोकस फर्स्ट के साथ गठबंधन। तो इसमें आंसर क्या होगा? जो फोर्थ स्टेटमेंट है कि एंटियोकस के साथ गठबंधन, ये चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं किया था, बल्कि इसके साथ गठबंधन बिंदुसार ने किया था। तो चौथा तो गलत हो जाएगा। बाकी जो पहला, दूसरा और तीसरा है कि गंगा घाटी मध्य भारत और ट्रांस हिंदू क्षेत्र की विजय इन्होंने प्राप्त की थी, मेगास्थनीज का जो यहाँ पे स्टे था इनके ही राज्यकाल में हुआ था, और इन्होंने जैन धर्म को संरक्षण भी प्रदान किया था। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी देखिए, ओनली 1, 2 और 3। तो सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 12, हु अमंग द फॉलोइंग वाज वर पेट्रोनस पैट्रोन्स ऑफ जैनिज्म. आपके ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, टू खारवेला, तीसरा अमोघवर्षा, चौथा सिद्धार्थ राजा. तो निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के संरक्षक थे. आपके ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी खारवेला, सी अमोघवर्षा, डी सिद्धराज. तो नीचे दिए कोड का सही उपयोग करना है कि इन्होंने किस किस लोगों ने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया था. तो क्या आंसर होगा इसका, इसमें चारों के चारों लोगों ने ही जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया था. तो जो ऑप्शन डी है 1, 2, 3 एंड 4 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 13, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. महावीर चरिता डीलिंग विद द लाइफ ऑफ महावीरा इज रिटन बाय हेमचंद्र. दूसरा स्टेटमेंट, परिशिष्टा पर्वन इज द बायोग्राफी ऑफ द अर्लियस्ट टीचर ऑफ जैनिज्म. विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. फर्स्ट, महावीर के जीवन से संबंधित महावीर चरित्र हेमचंद्र द्वारा लिखा गया है. दूसरा, परिशिष्ट पर्वन जैन धर्म के प्रारंभिक शिक्षकों की जीवनी है. ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है. तो इसका आंसर क्या होगा, जो दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है. जो महावीर के जीवन से संबंधित महावीर चरित्र है ये हेमचंद द्वारा ही लिखा गया है और परिशिष्ट पर्वन जैन धर्म के प्रारंभिक शिक्षकों की जीवनी है. तो ऑप्शन सी देखिए, बोथ 1 एंड 2 इज करेक्ट. सी इज द राइट आंसर. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पार्टिसिपेंट इन द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन एंड रेस्पेक्टिव रिलीजन दे रिप्रेजेंटेड. विश्व धर्म और संबंधित धर्म की पहली संसद में भाग लेने वालों की निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें और आपको बताना है कि ऊपर दिए गए जोड़ों में से कौन सा युग्म सही है. क्या वीरचंद्र गांधी ने बौद्ध धर्म को रिप्रेजेंट किया था, या अनागारिक धर्मपाल ने जैन धर्म को, या अलेक्जेंडर रसेल वेब ने ईसाई धर्म को, या ब्रह्म समाज को प्रताप चंद्र मजूमदार ने. तो इसमें से किस किसका जो पेयर है वो सही है बताइए आप लोग. तो जो ऑप्शन 4 है ब्रह्म समाज, इसको जो रिप्रेजेंट किया था वो तो प्रताप चंद्र मजूमदार थे, लेकिन बाकी जो ऊपर के तीनों हैं ये तीनों ही गलत हैं. ठीक है, तो जो वीर चंद्र हैं इन्होंने जैन धर्म को रिप्रेजेंट किया था. ठीक है, जो अनागारिक धर्मपाल हैं इन्होंने बुद्धिस्ट धर्म को रिप्रेजेंट किया था. जो अलेक्जेंडर रसेल है इन्होंने इस्लाम धर्म को रिप्रेजेंट किया था. तो ऊपर के तीनों गलत हैं, सिर्फ चौथा जो है पेयर वो सही है. तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए ओनली 4. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपैरिजन बिटवीन दिगंबराज एंड श्वेतांबरा सेक्ट ऑफ जैनिज्म इज आर करेक्ट. ऑप्शन ए, व्हाइल दिगंबराज बिलीव इन सभासत्र मुक्ति, श्वेतांबरा डिड नॉट बिलीव इन इट. स्टेटमेंट 2, दिगंबरा आर नॉट अलाउड टू हैव एनी काइंड ऑफ पजेशंस, व्हाइल श्वेतांबरा मॉन्क्स आर अलाउड टू पजेस 14 स्पेसिफिक थिंग्स. चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैन धर्म के दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय के बीच निम्नलिखित में से कौन सी तुलना सही है. ऑप्शन ए, जहां दिगंबर सबस्त्र मुक्ति में विश्वास करते हैं वहीं श्वेतांबर इसमें विश्वास नहीं करते थे. दूसरा स्टेटमेंट, दिगंबर को किसी भी प्रकार की संपत्ति रखने की कोई अनुमति नहीं है, जबकि श्वेतांबर भिक्षुओं को 14 निर्दिष्ट चीजें रखने की अनुमति है. तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर आपको चुनना है. तो इसका आंसर क्या होगा, जो दूसरा स्टेटमेंट है, दिगंबरा आर नॉट अलाउड टू हैव एनी काइंड ऑफ पजेशंस व्हाइल श्वेतांबरा मॉन्क्स आर अलाउड टू पोजेस 14 स्पेसिफाइड थिंग, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और हमें इसमें सही का ही चुनाव करना था. तो ऑप्शन बी ओनली. ठीक है, तो बी इसका आंसर होगा. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट एंड एसोसिएटेड रिलीजन्स इज आर मैच करेक्टली. धार्मिक ग्रंथों और संबंधित धर्मों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित है.
तो इसमें आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं? मिलिंद पन्हा बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, तनक क्या इस्लामवाद से रिलेटेड है, या अगम जो है वो जैनिज्म से रिलेटेड है, या अरियानकास वो हिंदुज्म से रिलेटेड है। तो इसमें से कौन सा सही कोड है बताइए आप लोग, कौन सा सही कोड है। तो इसमें जो पहला कोड है, तीसरा कोड है और जो चौथा कोड है ये बिल्कुल सही है, लेकिन जो दूसरा है आपका तनक ये इस्लामिज्म से बिलोंग नहीं करते थे, तनक जूस रिलीजन से बिलोंग करते थे, ठीक है, या एसोसिएटेड थे। तो फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ इज द राइट, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन ए, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हिज कास्ट हु कंप्लीटेड हिज कॉलेज एजुकेशन एंड वेंट टू इंग्लैंड टू बिकम अ लॉयर, लेटर इन लाइफ ही कन्वर्टेड टू जैनिज्म। दूसरा, ही इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बी आर अम्बेडकर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। पहला, वह अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी कॉलेज की शिक्षा पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए, बाद में जीवन में उन्होंने जैन धर्म अपना लिया। दूसरा स्टेटमेंट, उन्हें भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है कि उन्हें भारतीय संविधान का जनक माना जाता है ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो पहला स्टेटमेंट है उसमें इसने क्या कहा है कि लेटर इन हिज लाइफ ही कन्वर्टेड टू जैनिज्म, ये गलत है, उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी ओनली टू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट, श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड महावीरा द 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। दूसरा स्टेटमेंट, इट वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ एम्पीरर जहांगीर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर को समर्पित है। दूसरा स्टेटमेंट, इसका निर्माण सम्राट जहांगीर के शासनकाल के दौरान किया गया था। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, तो इसमें से आपको सही बताना है। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है कि इसका निर्माण सम्राट जहांगीर के शासनकाल के दौरान किया गया था, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, लेकिन जो पहला स्टेटमेंट है कि श्री दिगंबर जैनलाल मंदिर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी को समर्पित है, तो ये गलत है, क्योंकि ये 23वें तीर्थकर को समर्पित है जो कि पार्श्वनाथ है, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या होगा, ओनली टू, बी ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19, द केव्स एंड रॉक कट टेम्पल्स एट अलोरा परटेन टू। अलोरा की गुफाएं और चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिर किससे संबंधित हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए हिंदू धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी जैन धर्म, डी ये सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ये सभी के सभी जो हैं हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इससे रिलेटेड केव्स या रॉक कट हमें एलोरा में दिखाई देते हैं, तो डी इसका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20, ऑफ द फाइव वोव्स पांच अनुव्रताज ऑफ जैनिज्म, फोर एग्जिस्टेड बिफोर महावीरा, द वन विच ही एडेड वॉज। जैन धर्म के पांच व्रतों पंच अनुव्रत में से चार महावीर से पहले अस्तित्व में थे, जो उन्होंने जोड़ा वह कौन सा था? तो पांचवा जो अनुव्रत है महावीर ने कौन सा ऐड किया? आपके ऑप्शन से ए नॉट टू किल, मारना नहीं, नॉट टू स्टील, चोरी नहीं करना, नॉन अटैचमेंट टू वर्ल्डली थिंग्स, सांसारिक चीजों के प्रति अनासक्ति, सेलिबेसी, डी ब्रह्मचर्य। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी ब्रह्मचर्य, उन्होंने पांचवा जो पंच अनुव्रताज में ऐड किया था वो सेलिबेसी था, ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21, द खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स इन मध्य प्रदेश कंसिस्ट ऑफ टेंपल ऑफ विच रिलीजन या रिलीजन्स। मध्य प्रदेश में खजुराहो स्मारक समूह में किस धर्म के मंदिर हैं? आपके ऑप्शन हैं ए हिंदू ओनली, बी जैन ओनली, सी बोथ हिंदू एंड जैन, डी सिख। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन
सी हिंदू और जैन, ये दोनों का ही हमें मॉन्यूमेंट्स यहाँ पे खजुराहो टेम्पल्स में दिखाई देता है। तो सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22। इन राजस्थान माउंट आबू फेमस फॉर जैन टेम्पल इज नोन फॉर। राजस्थान में जैन मंदिरों के लिए माउंट आबू किस लिए जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए आबू टेम्पल, बी रनकपुर टेम्पल, सी दिलवारा टेम्पल, डी मार्बल टेम्पल। तो बहुत इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी दिलवारा टेम्पल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23। एज पर जैन फेथ वन हु अटेंड निर्वाणा इज कॉल्ड। जैन धर्म के अनुसार निर्वाण प्राप्त करने वाले को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए दिगंबर, बी श्वेतांबर, सी निग्रंथ, डी अरहंत। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी निग्रंथ। निग्रंथ भी कहते हैं उन्हें, जिना भी कहते हैं, ठीक है, तो सी इसका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द जैन टेम्पल सिटी। निम्नलिखित में से किसे जैन मंदिर शहर के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए गिरनार, बी इलाहाबाद, सी राजगृह, डी वाराणसी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए गिरनार। गिरनार गुजरात में स्थित है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25। हिन सांग सॉ जैनिज्म डेवलपिंग इन। हिन सांग ने जैन धर्म का विकास कहां देखा? आपके ऑप्शन हैं ए उड़ीसा, बी कश्मीर, सी बंगाल, डी बिहार। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी बंगाल। बंगाल में भी जैन धर्म का काफी डेवलपिंग देखा था उसने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 26। विच इज नॉट अ सोर्स ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू जैनिज्म। जैन धर्म के अनुसार कौन सा ज्ञान का स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, बी अनुमान, सी सेइंग ऑफ तीर्थकर, डी वेदा। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि जो जैन धर्म था या बौद्ध धर्म था, उन्होंने अथॉरिटी ऑफ वेदास को चैलेंज किया था। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी वेदास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27। सिक्स एलिमेंट्स विच क्रिएट द वर्ल्ड आर। संसार का निर्माण करने वाले छह तत्व कौन से हैं जो कि जैन धर्म में बताए गए हैं? आपके ऑप्शन हैं ए जीव, पुड्डपाल, धर्मा, काल, वायु, अग्नि, बी जीव पुड्गल, धर्मा, काल, सी जीव पुड्गल, धर्मा, अधर्मा, काल, आकाश, या डी एयर, वाटर, फायर, अर्थ, स्काई, धर्मा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी जीव पुड्गल, धर्मा, अधर्मा, काल, आकाश। ये छह के छह तत्व हैं जिनका उपयोग करके संसार का निर्माण या इन छह तत्वों से ही ये वर्ल्ड को क्रिएट किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 28। इन जैन फिलोसफी पुड्गल रेफर्स टू। जैन दर्शन में पुड्गल का तात्पर्य है। ऑप्शन ए डिवाइन सेलमेंट, फिजिकल एलिमेंट, सी स्पिरिचुअल एलिमेंट, डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा? बी फिजिकल एलिमेंट, भौतिक तत्व, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 29। विच स्कूल ऑफ पेंटिंग इज फेमस फॉर जैन पेंटिंग। जैन चित्रकला के लिए कौन सी चित्रकला शैली प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन हैं ए पहाड़ी, बी अपभ्रंश, सी राजपूत, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी अपभ्रंश, ठीक है। अपभ्रंश पेंटिंग ही फेमस है जैन पेंटिंग के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट वन ऑफ द पॉइंट ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस बिटवीन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच धार्मिक मतभेद का एक बिंदु नहीं था? ठीक, तो आपके ऑप्शन हैं ए अनलाइक बुद्धिज्म, जैनिज्म डिड नॉट ऑल टूगेदर डिस्पेंस विद द वर्शिप ऑफ द ओल्ड डाइटीज और द सर्विसेज ऑफ द ब्राह्मणिज। बौद्ध धर्म के विपरीत जैन धर्म ने पुराने देवताओं की पूजा या ब्राह्मणों की सेवाओं को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया। ऑप्शन बी वाइल बुद्धिज्म एक्नॉलेजेस अ परमानेंट एंटिटी
और एन इमोर्टल सोल जैनिज्म डज नॉट, जबकि बौद्ध धर्म एक स्थायी इकाई या अमर आत्मा को स्वीकार करता है, जैन धर्म ऐसा नहीं करता है। सी कंपेयर टू जैनिज्म बुद्धिज्म वॉज मॉडरेट इन इट्स स्ट्रेस ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ अहिंसा। जैन धर्म की तुलना में अहिंसा के सिद्धांत पर बौद्ध धर्म का जोर कम था। या ऑप्शन डी वेयर एज जैनिज्म बिलीव्ड इन रिगोरस एस्टिज्म बुद्धिज्म कंसीडर रिजिड इमिनेंस टू बी यूजलेस। डी जहां जैन धर्म कठोर तपस्या में विश्वास करता था वहीं बौद्ध धर्म कठोर तपस्या को बेकार मानता था। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, जरा ध्यान से सोचिए, स्टेटमेंट को फिर से पढ़िए, आप लोग समझ जाएंगे कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो कौन सा स्टेटमेंट है जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच धार्मिक मतभेद का एक बिंदु नहीं था। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा, बताइए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जैन धर्म की तुलना में अहिंसा के सिद्धांत पर बौद्ध धर्म का जोर कम था, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 महावीर तपश्चर्या इज डिस्क्राइब्ड इन, महावीर की तपश्चर्या का वर्णन है। ए कल्पसूत्र, बी आचरांग सूत्र, सी कल्पसूत्र आचरांग सूत्र, या डी दोनों में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी कल्पसूत्र आचरांग सूत्र। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 विच लिटरेचर रेफर्स टू महावीरा एज निगंत नाथ पुट, कौन सा साहित्य महावीर को निगंत नाथ पुत्र के रूप में संदर्भित करता है। ऑप्शंस ए वैदिक, बी बौद्ध, सी जैन, या डी भगवत। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बौद्ध। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 Which of the following is incorrect? अब यहाँ पे आपसे इसने incorrect पूछा है। ऑप्शन है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म क्रू इन 6th century BC, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म और जैन धर्म थे। दूसरा स्टेटमेंट बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वर अगेंस्ट ब्राह्मणिज्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म ब्राह्मणवाद के विरुद्ध थे। सी बुद्धिज्म एंड जैनिज्म फॉलो द सेम कंसेप्ट ऑफ अहिंसा, बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने अहिंसा के समान अवधारणा का पालन किया। बुद्ध एंड महावीरा बोथ वर क्षत्रिय बाई बर्थ, बुद्ध और महावीर दोनों जन्म से क्षत्रिय थे। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट सी बुद्धिज्म एंड जैनिज्म फॉलोड द सेम कंसेप्ट ऑफ अहिंसा, मतलब बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अहिंसा के समान अवधारणा का पालन किया था, ये इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 Who presided over second Jain संगीति, द्वितीय जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की। ऑप्शन ए स्थलभद्र, बी हरिभद्र, सी जमाली, डी देवारी दीक्षाम समन। तो क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन डी देवारी दीक्षाम समन ने ही सेकेंड जैन संगीति को प्रिसाइड किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 Who presided over first Jain संगीति, प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की। ऑप्शन ए हेमचंद, बी हरिचंद, सी स्थूलभद्र, डी जमाली। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी स्थूलभद्र, स्थूलभद्र ने ही प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता की थी। तो आज हमने सेट ऑफ 35 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं और यहाँ पर हमारा जो जैनिज्म चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नए लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है, क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।